10th क्लास ज्योग्राफी के 7th चैप्टर का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रेलवेज़। लेसन 7 जो है उसके अंदर जो अभी ये सेकंड है लैंड का, जो लैंड के प्रस्पेक्टिव से जो हम पढ़ेंगे रेलवेज़ जो ट्रांसपोर्ट है इसका, रोडवेज के बाद रेलवेज सेकंड है। अब रेलवेज़ आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फेरेट एंड पैसेंजर इन इंडिया। इस लाइन को समझिए कि दैट मीन्स क्या है कि रेलवे जो ट्रांसपोर्ट है वो सामान ले जाने में और पैसेंजर ले जाने में दोनों में ही कन्वीनियंट है। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, तो पैसेंजर को एक मतलब देखेंगे तो 100 से भी ज़्यादा लोगों को एक साथ लेके जा सकती है, लेकिन बस में वो अभी इतना कन्वीनियंट नहीं होता। जैसे कि सामान भी है कि बल्क में लेके जाना है, बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना है, तो वो रेलवे ट्रांसपोर्ट ही बेस्ट होगा। ठीक है, रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो रेलवेज करता है, जैसे कि बिजनेस। बिजनेस आप देखते हैं ये अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। साइट सींग यानी कहीं अगर आपको किसी कहीं घूमने लेके जाना है तो आप बाय ट्रेन जा सकते हैं। एंड पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा पे जाना है, बहुत दूर जाना है, तो आप बाय मेट्रो वो बाय रेल जाएंगे। एंड अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और लॉन्ग डिस्टेंस यानी अगर बल्क में सामान लेके जाना है इंडस्ट्री का, यानी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के बीच में जो कोऑर्डिनेट करता है वो कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रॉ मटेरियल अपने आप तो उठ के जाएगा नहीं, और वही लार्ज क्वांटिटी में लेके जाना है, बल्क क्वांटिटी में लेके जाना है, तो क्या वो एरोप्लेन से जा सकता है, बस से जा सकता है? नहीं। तो वो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेस्ट है, कौन सा? रेलवे। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडियन रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेट फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। 150 सालों में अगर आप देखेंगे जो मेन रोल है ना ट्रांसपोर्ट का इंडिया के अंदर, वो क्या है? इंटीग्रेटिंग करना। दैट मीन्स एक करना, जोड़ के रखना। किसको जोड़ के रखना? रेलवे इंडिया को बाइंड करके रखती है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज द एसिलरेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। दैट मीन्स इकोनॉमी को बाउंडेशन करके रखना। क्यों? क्योंकि देखिए आप जानते ही हो कि जैसे कि मानो कहीं पे प्रोडक्शन होता है तो कहीं और पे पहुंचाना होता है। एग्जाम्पल में लो, छोटा नागपुर झारखंड पे आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होता है, वहाँ से रॉ मटेरियल अगर हमें अलग अलग जगह पहुँचाना है, गुजरात पहुँचाना है, केरला पहुँचाना है, जम्मू कश्मीर पहुँचाना है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स में पहुँचाना है, तो वो कैसे जाएगा? रेलवे एक कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट है और इकोनॉमी को बाउंड करके रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को डेवलप करने में कोऑर्डिनेट करता है, कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल तक को इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट का ही है। अपने आप तो सामान जाएगा नहीं ना। तो ये रेलवे के जो इम्पॉर्टेंट्स डिस्कशंस हैं स्टूडेंट, आप इनको इजीली समझ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे द इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क, यानी उसका नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है। 7031 स्टेशंस हैं जो कि आप देखेंगे इतना स्प्रेड है, और रूट लेंथ देखेंगे 63,221 किलोमीटर तक है, विद अ फ्लीट ऑफ 7,870 लोको मोटिव्स हैं एंड 5,321 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हैं, 4,904 अदर कोच व्हीकल्स हैं, 228,170 वैगॉन्स एज ऑन 30 मार्च 2004 तक। ये सारी फैसिलिटीज़ रेलवे के पास हैं। ये 2004 के डेटा हैं, ये डेटा चेंज होते रहते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो आपकी बुक्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। द इंडियन रेलवेज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन कंट्री। कंट्री के अंदर रेलवे का जो नेटवर्क है जो सबसे ज़्यादा और किसकी टेकिंग है? अंडरटेकिंग पब्लिक, यानी गवर्नमेंट इसको देख रेख करती है और गवर्नमेंट के लिए एक बिजनेस है, और बहुत ज़्यादा फायदा भी गवर्नमेंट को रेलवे से होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये स्टीम इंजन था जो सबसे पहले जो बना था, मुंबई से थाने तक गया था 1853 में, जो फर्स्ट रेलवे चली थी वो, उसकी डिस्टेंस 34 किलोमीटर है, और जो टाइमिंग था 1 आवर्स या 1.5 आवर्स का था, जो इतने टाइमिंग कवर करी। लेकिन आज का आप देखेंगे वही 120 पर पहुंच गया है जो स्पीड उसकी है। तो यहाँ पे देखेंगे जो अभी इवोल्यूशन हुआ है, पहले से अभी इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट इन्होंने बताया है जो ट्रेन स्टीम इंजन, ट्रेन स्टीम थी जो चलने वाली थी स्टीम से, वो मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं जो आप वन वर्ड में आ सकते हैं, इनको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है कि रेलवे के रिकॉग्नाइज कितने जोन है? 16 जोन है। अब कौन कौन जोन भी वैसे ऐड हो गया, लेकिन आपकी बुक के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आप 16 जोन ही याद करिए।
जोन मतलब कि हर इनको जोन्स में बांटा गया है कि इस एरिया में जैसे कि नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में जो जोन बनाए गए हैं रेलवेज के, ताकि वो इजीली उनको चल सके कि कहाँ से कहाँ तक का रेलवे का जो हेडक्वार्टर्स हैं या कहाँ से कहाँ तक उनका वर्क जा रहा है। जैसे कि आप इसके अंदर मैप में भी देख सकते हैं कि आप जो इनकी अलग अलग जोन्स हैं कि कहाँ से कहाँ तक इनकी कॉरिडोर्स हैं, ईस्ट से वेस्ट है या हम बोल सकते हैं नॉर्थ से साउथ तक है, तो ये सारे प्लेसेस के ये आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर पूरा नेटवर्क बना हुआ है, पूरे जोन्स बने हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर देखेंगे 16 जोन का इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है और हेडक्वार्टर्स भी बता रखे हैं कि कहाँ किसके हेडक्वार्टर्स हैं रेलवे जोन्स के। तो मैप के थ्रू वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली उसको पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न, कहाँ कहाँ से नेटवर्क निकल रहा है, कौन कौन से प्लेसेस से मोस्टली जो है नेटवर्क निकले हुए हैं, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न पढ़ेंगे रेलवे का।